बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह के तकरीबन 7:30 बज चुके हैं और अभी इस टाइम हम लोग निकल रहे हैं, ठट्टूर डैम की साइड जा रहे हैं और जिस जगह हमारा अभी इरादा बना है, बेसिकली आज हमारा कैंपिंग का इरादा है, तो आज कैंपिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो बस कुछ सामान वगैरह का अरेंजमेंट वगैरह भी हमें करना है, क्योंकि जैसे एंगेजमेंट वगैरह हो गई, सब चीज़ें हो गई, तो उसका अरेंजमेंट वगैरह भी इस टाइम पर हुआ नहीं है, तो बस वो सब भी अरेंज करना है। उसके बाद मेन चीज़ जो आपकी कैंपिंग का सामान में जो कैंप है उसका अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं हो सका, क्योंकि सडनली प्रोग्राम बना था रात के टाइम। तो बस अभी ये कि मेरे साथ जो लड़के वगैरह हैं वो इस वक्त आ चुके हैं, मैं उनसे आपको मिलवा देता हूँ, ये साथ में लड़के हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? साथ में तो भाई और आए हैं। वालेकुम भाई, कैसे? सही भाई। और अभी हमारा जो बेसिकली प्रोग्राम बना है वो अभी हम लोग निकल रहे हैं नाश्ते के लिए, उसके बाद फिर वहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे। टाइम हम लोग मौजूद है आयशा मलिक की तरफ, और हम लोग का जो डिसाइड किया था कि हम लोग थमतल की तरफ जाके नाश्ता करेंगे, लेकिन वहाँ पे इस टाइम पे रश काफ़ी ज़्यादा था, फिर डिसाइड किया दिलपसंद जाएंगे, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश था, तो फाइनली हम लोग जगह डिसाइड की है वो यहाँ पर की है, और यहाँ पर पहुँच चुके हैं भाईजान। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रश है लोगों का, और यहाँ तो हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ के पराठे और अंडे वगैरह ट्राई करेंगे, नाश्ता यहीं से करेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। नाश्ता हमारा आ चुका है, ये ऑमलेट है और ये पराठे हैं, ये चाय है और ये आलू वाला पराठा है। चलिए जी, इस वक्त मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, और यहाँ जो हम लोग आए हैं गेटी वगैरह लेने के लिए आए थे सामान वगैरह, नाश्ता हमने कर लिया था भाईजान से, और वहाँ के पराठे और वहाँ की चीज़ें वगैरह बहुत ज़बरदस्त थी, और साथ में असद भाई है, मैं हाँ बोलूँ थोड़ा सा भाई, आलू का पराठा बहुत अच्छा था, सही कहा था आपने, बहुत मज़ा आया, मज़ेदार था ना, मज़ा आ गया। और अभी मैं गेटी दिखाता हूँ उसकी कंडीशन क्या हो रही है भाई, ये गेटी है जो आपको दिखा देता हूँ, कंडीशन कुछ भी हो, क्या कंडीशन तो बढ़ गई, बढ़ गई ना, अब यही लेके जाने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की घंटी है मेरे भाई, कंडीशन कुछ भी हो बनाने वाला होना चाहिए आपका भाई, आपको ना ऐसी चीजें बना के खिलाएगा ना, दंग लग जाएंगी बोटियों में, अबे हाँ यार बोटियों में दंग लग गया, खैर उठा लो जो भी है, अब यही है चीज हमारा, देख लेंगे साफ ऑफ कर लेंगे, सही है भाई। जो मैं अपने पुराने घर की तरफ मौजूद हूँ, और सारा सामान वगैरह हमने अरेंज कर लिए, सारी चीज़ें वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें लेके हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे असद भाई ने सारा सामान वगैरह लेके आए, असद भाई क्या क्या सामान लेके आए हो भाई? दो तीन बैग लेकर आए, ठीक है, बैग में सामान दिखाएगा, सामान वगैरह सामान ये देखें आपके सामने, लाइट जैकेट लेकर आए जो आपको पहनाएंगे, सही है, और 17 फीट गहरे पानी में आपको फेंक देंगे, अबे ऐसा ना करो, ठीक है, और क्या, और बाकी ये बैग फुल भारी हुआ हुआ है, सही है, दूसरा बैग है बारबेक्यू का सामान है, सारी चीजें कर ली है, चिकन विकन सब चीजें लेकर आए, कढ़ाई भी बनाएंगे वहाँ पर, अच्छा बाकी गेटी वगैरह का इंतजाम किया हुआ है, सारी चीखे वगैरह भी आपके सामने लेकर आए, इंतजाम है, बस एक किसी कमी रह गई है, वो आपका कैम का रहेगा सामान, कैम को लगाना था इंशाल्लाह, अगले प्रोग्राम में कैम का भी हो जाएगा, ये मतलब हमारा प्रोग्राम भी सडनली बना है, रात को बना है, इस वजह से हमारी भूल गए ना, हाँ भूल गए दोस्त के घर, अच्छा कैम का भी था, अच्छा वो भी था, लेकिन असल में वो भूल गए, अभी ये है कि हमारा फर्स्ट ऐसे कैंपिंग वाला प्रोग्राम है, इसके बाद जो बनेंगे ना फिर कैम भी होगा, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते जाएंगे और चीजें लेते, चलो फिर निकले, चलो आ जाओ, लंबा सफर है बहुत, चलो। टमाटर लेने के लिए रुक गए, और ये आप देख सकते हैं हमने टमाटर ले लिए, और बस अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ, ये आप देख सकते हैं हम लोग वाटर पम्प पहुंचने वाले हैं, और शराब बोट वाले पुल पे हम लोग चढ़ेंगे और सीधा हाईवे की तरफ, क्यों क्या रहता है इस बच रहे क्या? अच्छा अच्छा यार, मतलब एंड टाइम पर एक एक करके चीजें याद आ रही है, तो इस पंच भी लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर सफर जो है तो इस पंच भी लेंगे और उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर अपनी मंजिल पे पहुंच, बता नहीं इस पंच का मैं डालूंगा ही नहीं, होगी डालूंगा ही नहीं, चोर में बहुत लंबी हो जाएगी, फिर एक ही चीज के लिए रुक रहे हैं, ये हम हाईवे की तरफ आ चुके हैं, और ये आपको सामने वापसी नजर आ रहा होगा, और ये सात वाले रोड से हम लोग चल रहे हैं, मेन रोड से नहीं जा रहे, ये सर्विस रोड से हम लोग ने लिया है, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, इस वक्त हम लोग हाईवे की तरफ मौजूद हैं, और हमें कुछ सामान वगैरह लेना था, तो सामान वगैरह लेने के लिए हम एक जनरल स्टोर पे आए हैं, जूना लेना था स्पंच वगैरह जो होता है, क्योंकि हमारी जो एंगेटी की जो सीखे हैं वो ज़्यादा जंग वाली है, इस वजह से उसको साफ़ करने के लिए आपको स्पंच वगैरह चाहिए साफ़ करने के लिए, वही लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और इसके अलावा मिट्टी का तेल लेना है वो भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम लकड़ी पर खाना वगैरह पकाएंगे, तो ज़ाहिर कोयला मिला नहीं थी सुबह, तो लकड़ियाँ वहीं से तोड़ेंगे, और बाकी ये है कि मिट्टी का तेल वगैरह देख लेते हैं, यहाँ पर एक शॉप है आपको दिखा देता हूँ, ये नज़र आ रही है, ये आप यहाँ से कुछ मांग लेते हैं, चलिए ये शॉप है, यहाँ से सामान वगैरह ले लें, यार मिट्टी का तेल है, यहाँ कहाँ मिलेगा, आगे पूछो अगर मिलता है, चले जी वो कह रहे भाई, भाई अगर नहीं इधर कोई अगर मैकेनिक की दुकान होगी ना उससे ऑयल ले लेंगे थोड़ा सा, बल्कि ये नहीं ना दुकान, चलो पूछ लो यार। यहाँ मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ, ये सराइकी और सिंधी वगैरह शादी में ना अक्सर एक हार पहनते हैं पैसों वाला,
वो मैं आपको दिखाता हूँ, काफी जबरदस्त है ये भाई। हमारे असद भाई वो पहन के दिखाएंगे। असद भाई ये हमारे असद भाई है, इनको हार पहनाते हुए भाई। ये देखे भाई, ये दूल्हा बन गया हमारे। कैसा फील आ रहा है? इससे लंबा नहीं था कोई, थोड़ा डांस करके दिखा, फील आ रहा है भाई। ये देखे भाई, आपको दिखाता हूँ करीब से। ये पैसों की नोट है भाई, पैसे लगे हुए 10-10 रुपए की नोट लगे हुए इसके ऊपर। यार मैं वो नहीं लग रहा, बकरीद पे जानवर लेकर आते हैं उसके गले में लंबे डालते हैं। हां वैसे ही लग रहा है, वैसे ही फील आ रहा है। आज ये कुर्बान होने वाला है। ये भारी लग रहा है तुझे? कैसा लग रहा है? बोझ नहीं लग रही? बिल्कुल ही हल्का हल्का है। सारा वजन पैसे का होता है, और पैसा इसमें 10-10 का नोट इसलिए हल्का है। अगर 5,000 का नोट होता है भारी होता है। क्यों बात है। चलिए आप देख सकते हैं, ये रोड आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ही कच्चा रोड है। तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर हमने तय कर लिया है। आप लोग खुद देख सकते हैं, मतलब हर तरफ पेड़ है, और बीच में से कितनी प्यारी रोड जा रही है। आप लोग ये देखें, माशाल्लाह यार, देखें कितना प्यारा व्यू है भाई। ऐसे स्पीड ब्रेकर भी आते हैं जो टिश्यू पेपर के डब्बे ऊपर से आपके सर पे गिर रहे होते हैं। ये सीन भी होता है भाई। आप देख सकते हैं हमारे असद भाई हैं, ये लकड़ियां वगैरह उठा रहे हैं यहाँ से, चोरी कर रहे हैं। हाँ चोरी कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा हमारे ले जाते हैं, वो लकड़ी पे खाना बनाएंगे। ये लकड़ियाँ उठा ली भाई हमारे असद भाई ने। चलो भाई, तकरीबन हम लोग पहुँच चुके हैं जगह पे। बस यहाँ से थोड़ा सा 2.5 किलोमीटर का सफर रह गया है, और उसके बाद हमारी जो जगह हम लोग जाने वाले हैं, ये एक जंगल है जहाँ पे हम लोग थोड़ी कैंपिंग वगैरह करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली बारबेक्यू वगैरह का सीन है, वहाँ पे बारबेक्यू वगैरह करेंगे। उसके बाद हम लोग एक जगह और जाएंगे जो आपका पिकनिक पॉइंट है, तो उस जगह पे भी हम लोग जाने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग अलग वहाँ पे कढ़ाई वगैरह बनाएंगे। और बेसिकली अभी जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, ये छोटा सा एक गाँव है जो आपको इस टाइम आपको नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत सा और काफ़ी अच्छा सा एक गाँव से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ आबादियाँ वगैरह भी आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ से हम लोग अभी रोटी वगैरह ले रहे हैं, रोटी वगैरह और चीज़ें वगैरह ले रहे हैं, पानी की बोतलें वगैरह जो हम लेकर नहीं आए साथ में, तो वही सारा सामान कुछ यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपना सफर जो है कंटिन्यू करेंगे, आगे जाएंगे। शॉर्टकट ले रहे हैं, लंबा पड़ गए। और आपको पता है लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था ना, इस होटल पे ही मैंने खाना खाया था। अच्छा, ये स्टैंडर्ड टी बहुत अच्छी। हाँ ये होटल भाई, इस होटल की बात कर रहे हैं। यहीं पर ही आपके भाई ने खाना खाया था। क्या खाया था यहाँ पे? दाल फ्राई और रोटी। अभी इनको 10 रोटियाँ बोल दी है, ठीक है, 10 सही रहेंगी। बहुत भाई, 10 रोटियाँ बोल दी है। बाकी वहाँ पर जो है हम जो बारबेक्यू भी करेंगे, फिर कढ़ाई बनाएंगे, और कोयले वगैरह ले लिए, सारी चीजें सब मुकम्मल। अब भाई साहब ने तो लकड़ियाँ उठाई है, लकड़ी अगर हम वहाँ से नहीं भी लेते ना, फिर भी लकड़ी हमें कम नहीं पड़ती, क्योंकि अभी जो है हम मेन पॉइंट पे बाद में जाएंगे, पहले अभी हम जा रहे हैं जंगल में। जंगल में लकड़ियाँ बहुत हैं, और मैं काटने के लिए कटर भी लेकर आया स्पेशल, जो आपको दिखाऊंगा। चलेंगे तो बेहतरीन, स्पेशल कटर लेकर आया हूँ जो आप लकड़ी पे रखते कटेगी। चले जी, फाइनली आप देख सकते हैं हमारे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, बोतलें आ चुकी हैं, डिस्पोजेबल ग्लास ले लिए, प्लेटें हमें मिली नहीं थी, बाकी होटल वाले से मांगी है प्लेटें वगैरह, आपको नजर आ रही होंगी। बाकी रोटी वगैरह ले ली, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और कुछ रह गया भाई असद भाई? भाई कुछ भी नहीं रहता, बस जाना रहता है, बस जाना रहता है। बस चलो आप निकलते हैं। चले आप देख सकते हैं हमारा सफर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और अभी हम लोग थोड़ी सी चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे हैं, और इस बराबर में आपको एक झील आपको नजर आ रही होगी माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत है। पहुंच गए अपनी लोकेशन पर। ये देखें भाई, ये घना जंगल आ गया है, और आज हम इस जंगल में बारबेक्यू का सीन करने वाले हैं। पहले भी फाइनली आप वो देख सकते हैं हमारे पीछे आपको एक जंगल नजर आ रहा होगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है भाई, मज़ा आ रहा है जगह पे पहुंचने के बाद। ये बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे, एक अजीब सी, और यहाँ से परिंदों की और यहाँ पे कोयल इन सब की आवाज़ें, खाली आवाज़ें आ रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। मैं अगर आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, ये आप चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जंगल है, काफ़ी घना हो रहा है अंदर की तरफ। अगर मैं जाता हूँ तो काफ़ी घना जंगल है ये आप चेक करें भाई। अच्छा यहाँ पे जानवर वगैरह भी हैं, काफ़ी कुछ है। और चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग एक खरगोश नज़र आया है, ये देखें भाई कितना प्यारा खरगोश है, छोटा सा यार। ये देखें अंदर जा रहा है, ये बैठा हुआ, ये चेक कर, गया गया गया। असद भाई ये लकड़ी क्यों डाली आपने? ये लकड़ी इसलिए उठाई है भाई, सांप का कोई भरोसा नहीं है। ले ले भाई, ये झूठ बोल रहा है, इसको असल में पड़ी लकड़ी लेने का शौक है, ये मजा है। चले जी देख सकते हैं हम लोग वहाँ से चलते हुए आए, और ये आपको जंगल आपको नजर आ रहा होगा। और इस टाइम जो है हम लोग बस अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी अंदर जाने वाले हैं, और वहीं पे हम कोई जगह से देखेंगे जहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो भी जगह बेस्ट होगी, वहाँ पे हम लोग अपना जो भी है सेटअप वगैरह डालेंगे, वहीं पे हम लोग बारबेक्यू और जो भी हमें करना है तो वहीं पे सेटअप वगैरह करके बनाएंगे सारी चीज़ें वगैरह। फिर अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं जंगल के, ये हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे स्नैक वगैरह भी हैं, काफ़ी कुछ है, यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर हैं। जानवर ये सच में आपको खरगोश नहीं दिखाया मैंने?
अब एक ही नजर आया, शेर दिखाओ उस बात और आएंगे अभी, शेर वेर दिखाओ समझ में आए। मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा, शेर तो नहीं लेकिन बहुत सी छोटी मोटी चीजें दिखेंगी, जैसे कि मुझे पिछली बार लोमड़ी नजर आई थी। अच्छा, और लिजर्ट यहाँ पर आम है नजर आ जाती है, स्नैक नजर आ जाते हैं, तो देखते हैं आज क्या नजर आता है, जो भी आएगा दिखाएंगे। ठीक है, जगह जो है ना नो डाउट बहुत जबरदस्त है, और यहाँ पे कैंप लगा के मतलब करने में ना कैंपिंग वगैरह करने में काफी मजा आने वाला है, और जगह तो मेरे ख्याल से ये डिसाइड होने वाली है इस जगह पे हम लोग करते हैं, इस जगह पे ये जगह बेस्ट लग रही है मुझे तो। क्या बोलते हो, जगह बेस्ट है? और आगे भाई, और आगे जाने का इरादा है। जंगल के हम लोग काफी अंदर तक आ चुके हैं, और अभी हमारे असद भाई ने एक बात बोली है वो काफी समझने वाली बात है, वो यही कह रहे हैं कि जगह पे ना निशानी लगाते हुए जाओ, क्योंकि रास्ते आपको ना भूल जाएंगे, क्योंकि ये जंगल ऐसा है ना, बाकी सही कह रहा है, क्योंकि हम रास्ते इस तरह से रास्ते से आए ना, वो रास्ता में अभी भी याद नहीं है, लेकिन ज़्यादा अंदर तक हम लोग आए नहीं है, लेकिन काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं, लेकिन इतना अंदाज़ा है कि हम लोग किस तरह से आए हैं। लेकिन अब ये है कि वो निशानियाँ लगा रहा है जगह जगह पर ना, ताकि फिर सेफ्टी रहे, क्योंकि अब काफ़ी अंदर चले गए और फिर हमें रास्ता नहीं मिला वापसी जाने का, तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो इसलिए कि जगह भी देख रहे हैं, कोई जगह प्रॉपर मिल जाए तो अंदर जाके, और बाकी ये कि जगह पे निशानियाँ भी लगा रहे हैं, क्रॉस निशान लगा रहे हैं, कुछ भी इस तरह का लगा के, ताकि जगह मतलब याद रहे इस वजह से। भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या सीन है भाई? इस ब्लॉक को मैं ऐसे खड़ा कर रहा हूँ। हाँ, हमें क्या सीट पे आना है बाहर, ये सीट पे है, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, जंगल जो है आगे और घना हो रहा है पका से, सही है, निशान बन गया जबरदस्त। बाकी ये कि अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं, अंदर की तरफ और जा रहे हैं, काफ़ी गहरा हो रहा है, क्योंकि रास्ते अभी आपके बहुत सारे निकल रहे हैं, यहाँ से भी रास्ता निकल रहा है, और यहाँ पे हमने बस सेफ्टी रख दी है ताकि याद रहे जगह। ये जगह चेक करें कितना घना जंगल हो रहा है अंदर से, काफ़ी घना है, और अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से हमें कुछ भागता हुआ नजर आया था यहाँ से इस तरफ से, अब क्या था पता नहीं। चले जी, फाइनली हमने जगह डिसाइड कर ली जहाँ पे हम लोगों को बारबेक्यू वगैरह जो चीज़ें वगैरह करनी है, तो जगह कुछ इस तरह की बनाई नज़र आई हमें, यहाँ पे हम लोग अपना सेटअप वगैरह लगाने वाले हैं। ये आपको जगह नज़र आ रही है किस तरह की है, और बिल्कुल वीरान जगह है, और जहाँ से हमने अभी सेटिंग वगैरह की है वहाँ से अपना सामान वगैरह लेके आ रहे हैं। असद भाई जगह सही है वाली? भाई जगह बिल्कुल बेस्ट है यार, देखो लकड़ियाँ भी पड़ी हैं इधर ही, ये लकड़ियाँ सारी हो जाएगा, सारा काम सारा कुछ हो जाएगा ना, चल के गाड़ी से लेकर आते हैं सामान, सही है ना, साफ सुथरी जगह यहाँ पर बनाते हैं बैठ के बारबेक्यू, क्योंकि भूख हो जाएगा। अभी हम लोग इस टाइम पे ना बाहर आ गए और सामान वगैरह निकाल लें, और यहाँ भी सीन चेक करें भाई, ये सारे बकरे बत्तखें इनको ऐसा लग रहा है कुछ खाने को देने वाले हैं। हमने यहाँ से सामान निकाला हमने गाड़ी से, ये अपना अंगेठी वगैरह निकाल ली, सारी चीज़ें निकाल लें यहाँ से, और हमने जगह डिसाइड कर ली जहाँ पे हम लोग को क्या सस्ती करने के लिए आए, बिल्कुल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है भाई, यहाँ बकरे वगैरह चेक करें कैसे आए, आप देख सकते हमारे सारे बॉयज जो हैं वो आगे आपको नजर आ रहे होंगे जाते हुए सारा सामान लेके, और बस अभी यहाँ जो बेसिकली प्रोग्राम है वो बारबेक्यू वगैरह का है अंदर जाके करने का, तो बस वही करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये जगह चेक करें भाई, और हम लोग बिल्कुल अंदर आ चुके हैं इस टाइम, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारे लड़के वगैरह हैं वो सारा सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, जगह हमने डिसाइड कर ली है, ये जगह पे हम लोग अपना सारा सेटअप वगैरह करने वाले हैं, ये सामान वगैरह रखा हुआ है, ये साफ़ करेंगे जगह पे। चलिए देखें, हमारे असद भाई जो हैं जगह का सेट वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, और ये साफ़ सफाई कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे बैठने वाले हैं इस जगह पे। चले जी, फाइनली हमारी सारी सेटिंग वगैरह हो चुकी है, हमने अपनी पूरी प्रॉपर सेटिंग वगैरह कर ली है, अभी हम लोग जा रहे हैं आगे लकड़ी वगैरह ढूंढने के लिए। ये हमने पूरा सेटअप किया अपना, यहाँ पे चादर वगैरह बिछा दिए, सारा सामान वगैरह रख दिए, और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं बारबेक्यू, और उससे पहले हम लोग यहाँ पे ढूंढने वाले हैं कुछ लकड़ियाँ वगैरह। ये पतली बहुत सारी पड़ी हुई तो है, वो कोयले नहीं बनाएंगी ना, मोटी कोयला बनाएगी। अच्छा, ये जल जाएगी वैसे? हाँ, जल तो जाएगी, पक्की बात है। अच्छा भाई, साइज में काफ़ी बड़ा लेके आए, ये सूखी भी है ना असल में, जल जाएगी। अच्छा, यानी आप एक्सपर्ट हो इसके? चले भाई, ये भाई तो लग रहे हैं कोई एक्सपर्ट हैं, वही कह रहे हैं मैं जला लूँगा आराम से, अब मैं देखता हूँ किस तरह जलाते हैं, अभी तो फिलहाल ये लकड़ी तोड़ रहे हैं, किस तरह तोड़ रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पाँव से रख के तोड़ रहे हैं, पाँव मैं तोड़ लेना भाई। ये हमारे असद भाई ने बेहतरीन काम किया है, कटर लेके आ गए, इससे आराम से लकड़ियाँ कट रही हैं। चले जी, फाइनली सारी सेटिंग हो चुकी है, और अब फाइनली बारी आ गई आँख लगाने की। ये हमारी कुछ लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और कुछ यहाँ पर हमने डाल दी है, भाई जो है वो मिट्टी का तेल डाल लें इसके अंदर, एक मिनट, और इसके बाद वो आग लगाने वाले हैं। जल्दी से कर ले, हो गया? हाँ, चल एक मिनट रुक, फरहाद भाई एक मिनट रुक जा। चल जी, फाइनली हमारी आग लग चुकी है, उसमें कुछ लकड़ी वगैरह डाल लें, और फाइनली इसके हम लोग सीख वगैरह लगाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना बारबेक्यू वगैरह। अगर कोई ऐसा एडवेंचर करने जाते हैं तो चोट लाजमी लगती है, और हमारे फरहाद भाई की लग गई। फरहाद भाई कहाँ लगी? ओए होए, तो बड़ी ज़्यादा लग गई यार चोट, जबरदस्त लग गई, मतलब अच्छी है, है? ये क्या बात भैया, देख सकते हैं कुछ सीन आपको नजर आ रहा होगा, काफी हम लोग जंगल के बीच में खड़े हुए हैं इस वक्त,
कैसा लग रहा है भाई, कैसा माहौल है? बहुत जबरदस्त माहौल है, सुकून है, मजा आ रहा है, सुकून है। परिंदों की आवाज देख रहे हो? हाँ, बिल्कुल पुरसुकून आवाजें आ रही हैं। पीछे आग जल रही है, इसका साउंड सुनो। मतलब जो चीज हम YouTube पे देखते हैं ना, एक इस टाइप की वीडियोस देखते हैं, रिलैक्सिंग वीडियोस, वो सब हम यहाँ पर रियल लाइफ में फील कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम का इरादा है, नेक्स्ट टाइम का इरादा बहुत हैवी सीन है। मैं तो बोल लेकर आना है ये, नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग आएंगे ना, इंशाल्लाह कैंप वगैरह लेकर आएंगे, प्रॉपर तैयारी के साथ आएंगे और पूरा फुल सेटअप मारेंगे और रात के टाइम आएंगे, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर लेकर आएंगे, सारी चीजें बिल्कुल फोकस लाइट लेकर आएंगे ताकि हमें लाइटिंग का कोई इशू ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह से हम लोग भी आए तक असद भाई, आप जो हमें लेकर आए ना ऑफ रूट से, बड़ा मसला हुआ था उसमें, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ उसकी वजह से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे आग वगैरह लगा दी है, कोयले में आग लग चुकी है। और हमारे जो एहतिशाम भाई हैं वो बारबेक्यू वगैरह मतलब सीखों के अंदर डाल रहे हैं, उसके बाद हमारा बारबेक्यू वगैरह स्टार्ट करेंगे। बड़ी पीसफुल जगह है ये, बहुत सुकून वाली जगह है, सुकून वाली ये। मतलब किस नाम क्या है जगह का यार? ये गडाप टाउन का इलाका है, सही है, ठीक है। और ठड्डो डैम है ना, ठड्डो डैम से ही आप जब उस साइड पे जाते हैं तो बीच में एक रोड आता है, जंगल आता है पूरा, तो ये वही जंगल है ठड्डो रिवर वाला, सही। चले जी, फाइनली आप देख सकते हैं हमारे कोयले वगैरह जल चुके हैं और हमने सीखी वगैरह लगा दी है यहाँ पे, ये आपको नजर आ रही होंगी। ये हमारी बारबेक्यू की सीख है और ये अभी चार सीखें तैयार हो चुकी हैं और चारों हमने लगा दी है। इसके अलावा हमारे एहतिशाम भाई हैं, तो सीखी वगैरह निकाल लें। वो कोयले बिल्कुल सही हो गए यार, मुझे लग रहा है खत्म हो गए, लेकिन सही आग पकड़ी हुई है, मेरे जल्दी हो जाएंगी, बन जाएंगी। और ये हमारी एक और सीख है, वो तैयार हो रही है भाई, बहुत टाइट गर्माहट है, बिल्कुल मैं कहते बहुत जल्दी हो जाएगा, कल से जल्दी होगा, सही बन जाएगा। हमारी बोटियाँ भी तैयार होने वाली हैं, कलर देखें कैसा है, जबरदस्त यार। पलट दो, मेरे को लग रहा कलर की लग रहा, काफी प्रैक्टिस है भाई आपकी, ये कहां जबरदस्त, बहुत बेहतरीन शक्ल आ गई भाई। नहीं रख, वैसे ही कर दे, पड़ा ला मैं उठाऊं। अबे उस्ताद इतनी तेज तो क्या करूं भाई। अभी जगह चेक करें कैसी है भाई, इस टाइम पे यहाँ पे बैठा हुआ ना, काफ़ी अंदर तक हूँ मैं और हमारे भाई वगैरह जो है वो काफ़ी आगे हैं, वो चीज़ें वगैरह बना रहे हैं, मैं काफ़ी अंदर तक आया हूँ और इस टाइम पे पीछे से कोई भी कुछ भी आ सकता है। और जिस जगह मैं बैठा हुआ आपको नज़र आ रहा हूँ इस टाइम पे, तो ये हमें पीछे देखते हैं, बिल्कुल ही घना जंगल है। और इस टाइम पे जो मैं बताऊँ ना, काफ़ी यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लेजर देखी, स्नैक देखे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हमने, वो कवर नहीं कर सके वीडियो के अंदर, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी ख़तरनाक एडवेंचर है भाई यहाँ पर आने के बाद। लेकिन ये कि एक दफ़ा आप ज़रूर विज़िट करें जगह पर, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चले जी, फाइनली आप देख सकते हैं हमारा बारबेक्यू रेडी हो चुका है, ये आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम पे हमारा ये बारबेक्यू है। अब इसको ट्राई करते हैं बनावा कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए फाइनली ये मैंने बोटी पकड़ ली एक साथ में और उसके साथ ट्राई करने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबरदस्त मजा ही आ गया, बहुत अच्छा बना, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। जंगल के बीच में बैठ के खाने का मज़ा ही अलग है, वो भी बारबेक्यू, बड़ी मेहनत से बनाया हमारे भाई लोगों ने, बहुत अच्छा बनाया, टेस्ट काफ़ी बहुत अच्छा है और बहुत यूनिक है, और टेस्ट में बाकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लगा खाने में, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी मैं भाई लोग से भी पूछ लेता हूँ उनको कैसा लगा खाने में, बाकी मुझे तो बहुत पसंद आया, बड़ी मेहनत से बनाया। और तकरीबन हम लोग सुबह तकरीबन 7 बजे निकले थे और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे तकरीबन 11 बजे, तभी हमारी बारबेक्यू भी काफ़ी जल्दी तैयार हो गई, क्योंकि लकड़ियाँ वगैरह थी काफ़ी जल्दी जल गई थी और आराम से हमने बारबेक्यू वगैरह बना लिया था। मगर काफ़ी सारी सीखे थी जो जल्दी हो भी गई, तो अभी हम लोग यहाँ से तकरीबन अभी निकल लेंगे 2:15 बजे तक यहाँ से निकल लेंगे, हमें एक जगह और जाना है, फिर वहाँ से हम लोग दूसरा ब्लॉग जो है वो वहाँ से वो कंटिन्यू करेंगे। ये यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग जो है वो एंड कर दूँगा और मैं आपको बाकी भाई लोग से पूछता हूँ उनको कैसा लगा खाने। हाँ जी भाई, हाँ भाई कैसा लगा भाई आप लोगों को, टेस्ट कैसा था यार? खाना तो बहुत शो वाला था, एक नंबर मेहनत वसूल, बहुत मजे का यार, चेक कर रहे हो, दिखाओ भाई, मसाले वसाले लगाए हैं, टेस्ट अच्छा है, मजा आ गया। आपको कैसा लगा भाई? मजा आ गया यार, आपकी तो प्लेट पूरी खाई नजर आ रही होगी, साफ कर दिया आपने प्लेट तो, ये वाली है अच्छा, ये वाली सब एक ही प्लेट में खा रहा हूँ, जबरदस्त भाई, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, टेस्ट बहुत अच्छा था भाई, जबरदस्त, जिसको बनवाना हो मैं नंबर चला दूंगा नीचे, और बोलो सही है, लेकिन टेस्ट बाकी अच्छा था, बहुत मज़ा आया। बाकी इसको ख़त्म करते हैं, ये हमारा बारबेक्यू है, ख़त्म करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। चले जी, फाइनली हमारा सारा खाना पीना सब चीज़ हो चुकी है और यहाँ से हमारा सेटअप वगैरह हमने ख़त्म कर दिया, यहीं पे हमने लगाया था, सारा सामान वगैरह हमने पैक कर लिया है, आप यहाँ से बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं
और इसके अलावा भी हमें एक जगह और जाना है, जहाँ हमने आपको बताया था कि एक और जगह विजिट करने वाले हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे कढ़ाई वगैरह बनाएंगे। यहाँ पे तो बारबेक्यू वगैरह कर लिया, प्रोग्राम तो ये था कि यहाँ पे कैंप वगैरह लगाते, लेकिन वो ये है कि कैंप वगैरह तो लेके नहीं आ सके, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो प्रॉपर सेटअप के साथ आएंगे और कैंप वगैरह लेकर के आएंगे। और अभी फिलहाल यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस व्लॉग के अंदर और काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और इसके बाद जो व्लॉग करेंगे वो दूसरी जगह पे जाके व्लॉग शूट करेंगे, और ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो इस व्लॉग को यहीं पे हम एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं।